हेलो गाइस तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी एक एज अ स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट आप कनाडा में आते हैं डजेंट मैटर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एज अ नॉर्मल पर्सन कोई भी अगर कनाडा में आता है तो कनाडा में आपको कौन सा प्लान कौन सी कंपनी के साथ प्लान जो सबसे चीपेस्ट और सबसे बढ़िया रहेगा उसके बारे में डिस्कस करूँगा अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा मैं कौन से यूज़ किए हैं और मैंने अभी तक क्या फ़ील किया है कि कौन कौन से प्लान यूज़ करने चाहिए स्टूडेंट के लिए कौन से बेहतर होते हैं वो मैं अपना डिस्कशन करूँगा अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैनेडा में जितनी भी टेली कम्युनिकेशन कंपनी है उनके बारे में बताऊँगा इंडिया में तो आपको पता ही है जैसे थोड़ी फेमस कंपनी हैं जैसे चार पाँच ही आई थिंक जो इंडिया में फेमस हैं जैसे कि एयरटेल जियो रिलायंस आ, और टाटा डोकोमो एक टाइम पे होती थी अभी तो शायद कोई यूज़ नहीं करता और आइडिया वो भी आई थिंक एयरटेल के साथ शायद नहीं वोडाफोन के साथ हो गई है तो यहाँ पर जो भी कंपनीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा और उनके बारे में बताऊँगा और कैसा एक्सपीरियंस है, है कौन से प्लान आपको ख़रीदने चाहिए एज़ अ स्टूडेंट क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए क्या नोट करनी चाहिए आ, शायद आपको पहले से पता भी हूँ बट आ, अगर आज जिनको नहीं पता उनके लिए ये हेल्पफुल होगी वीडियो ओके okay, तो जब भी जब भी कोई भी लाइक इंडिया में होता है बच्चा तो आजकल ऐसी इमेज सी बन गई है कि लोग मैं भी अपने फ्रेंड से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि लाइक आईफोन ले लो राइट तो वो इतना इजी नहीं होता कि यू you नो know, सब लोग सोचते हैं इंडिया में कि आ, कनाडा में चले गए बस वहाँ पे आईफोन ले लो सभी ले ही लेते हैं तो आप भी ले लो राइट वो ऐसे नहीं होता वो पूरा एक प्रोसेस होता है तो वो थोड़ा सा लाइक मैं पर्सनली उस प्रोसेस को लाइक नहीं करता और मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा कैची सा प्रोसेस है तो उसके बारे में किसी डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया में अगर आप लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में अच्छा फ़ोन आ जाता है वो आप ख़रीद के आएँ ठीक है और वो यहाँ पे चलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया में जैसे इंडिया में क्या है कि जब मैं आया था और अभी रिसेंटली भी अभी भी, भी कि लोगों को क्या होता है कि पर मंथ वन जी बी लाइक पर डे वन जी बी डेटा मिलता है और आई थिंक वन पॉइंट फाइव हो गया था जब मैं आया था उसके बाद अगर बढ़ गया हुआ आई एम नॉट श्योर मैंने कंफर्म भी नहीं किया बट वन पॉइंट फाइव जी बी मिलता है पर डे और वीकली और मंथली सॉरी इट्स लाइक फोर्टी फाइव जी बी अगर वन पॉइंट फाइव जी बी हो गया थर्टी डेज़ के लिए हिसाब से राइट right? तो थर्टी जी बी इतना होता है बट कैनेडा में ऐसा नहीं है यहाँ पे कंपनीज आपको लाइक जो डेटा है वो लाइक वो इन लिमिट देती है राइट लिमिट लाइक आपको 50 की 50 फिफ्टी जी बी टेन जी बी फिफ्टीन जी बी फिफ्टी तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया या इतना लाइक like, कंपनीज वो अनलिमिटेड ही हो जाता है फिर आफ्टर अ सर्टन पॉइंट लाइक फिफ्टीन जी बी फाइव जी बी सिक्स जी बी ऐसे यहाँ पे ऐसे इंक्रीमेंट्स में प्लान होते हैं ऐसे नहीं है कि जैसे इंडिया की तरह आपने लाइक सौ रुपये का रिचार्ज करवाया और आपको पर डे वन जी बी मिल रहा है अनलिमिटेड कॉलिंग टेक्सटिंग राइट तो यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है और वो ऐसे डिफरेंट मैंने पुरानी वीडियोस अगर आपने मेरी देखी हैं उनमें मैंने बताया भी हुआ है कि लाइक यहाँ पर क्या है कि आपको आप बिना डेटा के मैनेज कर सकते हो फ़ोन का जो पर्सनल लाइक डेटा होता है जो हम फोन पे इंटरनेट चलाते हैं मैनेज कर सकते हो एज अ स्टूडेंट बिकॉज कैनेडा में यहाँ पर लाइक यूनिवर्सिटी यहाँ पर अपने कॉलेज जाते हो वहाँ पर आपको वाईफाई मिलेगा होपफुली जहाँ पर आप रहते हो डेफ़िनेटली वहाँ पर भी आपको वाई मिलेगा अगर नहीं है तो मेरे हिसाब से आप लगवा लीजिएगा अगर आप नहीं लगवाना चाहते फिर देन यू वुड हैव टू गो विद डेटा आपको डेटा खरीदना पड़ेगा राइट right? बट वाईफाई बेटर रहता है वहाँ पे घर पे आप वाईफाई होता है और अगर आप कहीं पे भी जाते हो फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी शॉपिंग भी करने जाते हो वॉलमार्ट में भी वाईफाई मिल जाता है और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस अगर रेस्टोरेंट भी जाना है वहाँ पे भी वाईफाई मिल जाता है तो आप ऑल द टाइम वाईफाई से कनेक्टेड रहते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ पर वाईफाई का कोई चार्ज नहीं करता और वाई फ्री आपको मिल जाता है बट हाँ वो तो इसलिए यहाँ पर आप कम डेटा में भी फ़ोन का जो कम डेटा है उसमें भी आप मैनेज कर सकते हैं कैसे वो ऐसे कि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया वाईफाई के साथ आप कनेक्ट रहेंगे तो जो आपका पर्सनल फ़ोन का डेटा होगा वो इतना यूज़ ही नहीं होता जैसे मैं पर्सनली अभी यूज़ uh, कर रहा हूँ मेरे पास है लाइक like, मेरे को मंथ का थ्री पॉइंट फाइव जी बी फोर जी बी डेटा होता है मेरे पास और वो हार्डली हाफ भी यूज़ होता है लाइक फिफ्टी परसेंट का भी मेरे को नोटिफिकेशन कम ही आता है ठीक है तो वो इसलिए क्योंकि मैं ऑल द टाइम वाईफाई से कनेक्टेड रहता हूँ वाईफाई से मेरा यूज़ होता है सब कुछ राइट right? और अगर कुछ मेरे को हैवी डाउनलोड करना है तो मैं लाइक like, ही बात है मेरे को पता है मेरे पास लिमिटेड डेटा है तो मैं डेटा पे नहीं डाउनलोड करूँगा ना तो मैं वो डाउनलोड करता हूँ वाईफाई पे राइट right? अगर मेरे को डाउनलोड करने की ज़रूरत है वैसे तो ज़रूरत पड़ती नहीं है ओवर द ईयर्स मेरे को ऐसी कुछ खास ज़रूरत पड़ी नहीं बट इन केस अर्जेंटली अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो मैं बता रहा हूँ आप वाईफाई पे ही डाउनलोड करें या कोई पब्लिक स्पेस पे चले जाएं वहाँ पे वाईफाई होगा वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें तो इसलिए आप मैनेज कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट uh, के लिए यहाँ पर कौन सी कंपनी चीपेस्ट रहेगी लाइक like, जब वो आता है तो उसको लाइक एज़ अ पर्सन किसी भी पर्सन के लिए नॉट इवन स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट के लिए तो ये बेस्ट है ही कंपनीज़ बट किसी के लिए भी ये चीपेस्ट प्लान हैं ये चीपेस्ट प्लान ऑफर करती हैं ये कंपनीज़ वो कंपनीज़ कौन सी हैं वो हैं पब्लिक मोबाइल नोट कर लेना पब्लिक मोबाइल लकी मोबाइल और फ्रीडम मोबाइल पब जैसे ऑनटारियो और बीसी ये थोड़ी लाइक बिग सिटीज़ हैं यहाँ पर फ्रीडम मोबाइल होता है और uh, यहाँ पर सस्कैचमैन में फ्रीडम मोबाइल नहीं है बट यहाँ पे लकी मोबाइल पब्लिक मोबाइल ये मिल जाएगा कूडो मोबाइल राइट ये सब ये चार आप नोट कर लें और चार्टर चार्टर ये पांच आप नोट कर लें ये मेरे हिसाब से सबसे चीपेस्ट हैं आप इनके ऑनलाइन जाकर प्राइस भी कंपेयर कर सकते हैं इनके प्लान्स के राइट right? क्योंकि uh, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इनकी कंपनीज के वेबसाइट के आप एक्सेस कर सकते हैं इनके प्लान्स एक्सप्लोर कर सकते हैं आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चीपर हैं चीपेस्ट हैं सबसे ज़्यादा और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ जब मैं नया नया कैनेडा में आया था तो सबसे पहले मैंने ख़रीदा था लाइक like, आ, मैं फ़ोन तो मेरे पास था ही राइट मैं इंडिया से ही खरीद के ले आया था और मैंने रिसेंटली ही ख़रीदा था इंडिया से मेरे को आईफोन का कुछ इतना क्रेज़ नहीं था और मेरे को आईफोन की इतनी कोई तड़क भड़क भी नहीं थी तो इसलिए मैं वही फ़ोन कंटिन्यू करना था तो मेरे को सिर्फ ये था कि बस जो मेरी नीड का मेरे को प्लान है वो चाहिए तो मैंने जो भी लाइक मेरे जान पहचान के थे उस टाइम पे मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कौन सी लाइक कंपनी है क्या क्या प्लान है तो सब ने मेरे को लाइक कुछ खास आंसर नहीं दिए सबका अपना अपना यू नो ओपिनियंस होता है लोगों को एरो you know, कुछ पर्टिकुलर कंपनी अच्छी लग रही होती हैं तो मेरे पास कुछ इतना ऑप्शन नहीं था तो मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया तो मैंने फर्स्ट टाइम पे सबसे पहले मैंने कूडो लाइक कूडो के साथ मैंने अपना एक प्लान स्टार्ट किया तो कूडो के साथ जो मैंने प्लान स्टार्ट किया था वो ठीक था उनकी सर्विस भी अच्छी थी लाइक ऐसे कोई मेरे को दिक्कत नहीं थी बट आफ्टर अ वाइल मैं लाइक like, मेरे को पता चला जब मैं इधर रहने लगा तो मेरे को पता चला कि लाइक लक्की मोबाइल उसके बाद लकी मोबाइल उसके पास मैं शिफ्ट हो गया क्यों क्योंकि मैंने देखा कि उनके प्लान्स चीपर हैं और वही चीज़ जो कूडो में मेरे को मिल रही थी वो लाइक कम रेट में मेरे को मिल रही है और कुछ प्लान भी उसके बाद चल रहा था उस टाइम पे तो मैंने उसके साथ स्विच कर लिया लकी मोबाइल के साथ तो लकी मोबाइल स्विच करने के बाद लाइक मैंने सबसे पहले प्लान लिया था मैं प्रीपेड प्लान के साथ जाता हूँ राइट प्रीपेड प्री पेड प्लान मैं क्यों यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बाद में बताता हूँ बट मैं प्री पेड प्लान लिया मैंने और आई uh, थिंक मैंने ट्वेंटी फाइव डॉलर समथिंग लाइक दैट वो वाला प्लान लिया था और ट्वेंटी फाइव डॉलर में को वन जी बी डेटा और अनलिमिटेड कैनडा वाइड कॉलिंग टेक्सटिंग और मैसेजिंग uh, और इंटरनेशनल टेक्सटिंग और मैसेजिंग ये सब और डिटेल आप देख सकते हैं प्लान्स की उनकी वेबसाइट पे मैं लिंक दे दूंगा उनकी वेबसाइट का तो वहाँ पे आप जाके देख लेना तो सबसे फिर उसके बाद मैं लकी मोबाइल पे आ गया तो लकी मोबाइल में को वेरी वेल एंड गुड लाइक कोई दिक्कत नहीं हुई है राइट और उनकी कस्टमर सर्विस भी है आप कॉल करके उनसे यू नो कस्टमर असिस्टेंस भी ले सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है बट हार्डली कभी कभार दिक्कत होती है और बट वन टाइम ये हुआ था कि uh, मैं सस्कैचन में सस्केचन जो प्रोविंस है कनाडा का स्टेट है वहाँ पर मैं लाइक like, थोड़ा नॉर्थ में ज़्यादा नॉर्थ में गया था तो वहाँ पे मेरे को लाइक like, पता नहीं डेटा का इशू आ रहा था तो उसके फिर मैंने अपना थोड़ा फ्रेंड के साथ डिस्कस किया और मैंने थोड़े और ऑप्शन एक, एक्सप्लोर किए तो मैंने देखा पब्लिक मोबाइल सेम सेम ऑफर राइट बट लिटिल बिट बेनिफिशियल तो मैंने पब्लिक मोबाइल पर स्विच किया और uh, अभी मैं करंटली पब्लिक मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ और पब्लिक मोबाइल के मैं ऑफ़र यूज़ कर रहा हूँ प्लान यूज़ कर रहा हूँ वो है आई थिंक थर्टी फाइव डॉलर उसमें मेरे को थ्री पॉइंट फाइव जी बी फोर जी बी डेटा मिल जाता है और मोर देन इनफ है मेरे लिए मोर देन इनफ मैं इतना ऑनलाइन यूज़ नहीं करता लाइक इंस्टाग्राम पे बैठे अपने डेटा पे मैं लाइक स्क्रोलिंग नहीं करता ये सब चीज़ें तो इसलिए मेरे को मोर देन इनफ होता है अगर मेरे को करनी भी होती है यूट्यूब भी देखना है या इंस्टाग्राम स्नैपचैट एनी तो वाई से कनेक्टेड होते हैं तो उसमें ही कवर अप हो जाता है तो मैं कह रहा था कि मैं पब्लिक मोबाइल पे फिर शिफ्ट हो गया आ, क्योंकि मेरे को लगा कि लाइक like, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ और मेरा रीज़न ये भी था शिफ्ट होने का पब्लिक मोबाइल पे कि पब्लिक मोबाइल जब आप ऑटो पे लगवा लेते हो और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दे देते हो उन्हें तो वो आपको टैक्स चार्ज नहीं करते सो so, अगर आपका ट्वेंटी फाइव डॉलर्स का प्लान है तो वो आपको ट्वेंटी फाइव ही चार्ज करेंगे बट लकी में क्या है कि लकी में अगर आपका ट्वेंटी फाइव डॉलर्स का प्लान है तो उसके ऊपर आपको जितना भी टैक्स लाइक like, ट्वेंटी सिक्स या ट्वेंटी सेवन डॉलर्स पड़ता है ओवरऑल तो वो वो लाइक वो वाला थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है आ, कंजूस नहीं कंजूस की बात नहीं है इट्स जस्ट दैट कि पब्लिक मोबाइल भी सेम चीज़ ऑफर करता है तो हाँ बट अगर पब्लिक मोबाइल का अगर मेरे से पूछो तो पब्लिक तो मोबाइल में ये है कि आम, उसमें कस्टमर सर्विस ऑन कॉल नहीं है उनकी वेबसाइट पे आपको जाके टिकट क्रिएट करना पड़ता है तो वो आपको फिर ऐसे मॉडरेट उनका असिस्ट करता है आपकी क्वेरी के साथ बट हैविंग सेट दैट हार्डली कभी कभी बार आप किसी लाइक कस्टमर से इंडिया में आप रहते हो आप कितनी बार एयरटेल वालों को कॉल करते हो राइट तो वही बात है पब्लिक मोबाइल को मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी राइट कभी भी कॉल करने की तो फॉर स्टूडेंट्स कनाडा में अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं आई थिंक लकी मोबाइल पब्लिक मोबाइल और चार्टर और फ्रीडम और कूडो इनमें से आप अपनी चॉइस का देख लें प्लान राइट फोन इंडिया से लेके आए तो इनमें आपको जो भी बेस्ट लगता है आपके अकॉर्डिंगली वो आप चूज कर सकते हैं और एक पॉइंट ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप तीन चार जने आ रहे हैं कभी कभार क्या होता है जैसे कुछ कंपनीज में क्या होता है उनके पास डील्स होती हैं कि अगर आप चार जने हैं तो चार जने कंबाइन प्लान ले सकते हैं और कंबाइन आपको ओवरऑल सस्ता पड़ता है फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर फॉर एग्जाम्पल आप चार जने हैं और कोई अब कंपनी अब वो आप प्लान के ऊपर है कि लाइक वो कंपनी ऑफर कर रही है कि नहीं राइट right? तो वो अगर आप चार जने फॉर एग्जांपल अगर प्लान है कि हंड्रेड uh, डॉलर्स में आपको वो लाइक फोर्टी जी बी या ट्वेंटी फाइव जी बी डेटा देंगे राइट right? और चार जने यूज़ कर सकते हैं कंबाइंड ठीक है तो उसमें क्या होगा इट्स आई थिंक इट्स अ गुड प्लान अगर देखा जाए चार जने अगर पर बंदा अगर देखा जाए ट्वेंटी फाइव को या थर्टी को डिवाइड कर लो चार से जितना भी आता है तो वो पर बंदे को लाइक सेवन सिक्स जी बी जितना भी आ रहा है वो मोर देन इनफ है और पर बंदे का खर्चा कितना होगा लाइक like ट्वेंटी फाइव डॉलर्स ठीक है तो कभी कभार ऐसे प्लान्स हो जाते हैं वो अगर आपको मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं और एक और पॉइंट है कि जब आप लाइक ये ये जो लकी मोबाइल है पब्लिक मोबाइल है फ्रीडम है और चार्टर ये ऐसी कंपनियां हैं जो ये स्मॉल कंपनीज़ होती हैं ये बिग कंपनीज़ नहीं है जैसे इंडिया में चार लाइक आपको बताई मैंने वैसे ही हैं यहाँ पर बिग कंपनीज़ जो हैं जो टॉप लाइक कह लो टॉप थ्री टॉप टू कंपनी है वो है रॉजर और बेल राइट सस्केचवन में सबसे बड़ी लाइक वो है सेस्कटेल राइट ऐसी कंपनीज ये स्मॉल कंपनीज़ होती हैं तो क्या होता है कि ये ये जो बड़ी कंपनीज हैं बेल रॉजर और सेस्कटेल तो इन्हीं की काइंड ऑफ लाइक सब्सिडरी होती हैं या कह लो इन्हीं की सर्विसेज यूज़ करके हमें लाइक like आगे प्रोवाइड कर रही होती हैं तो एक बात ये हो जाती है जब आप लकी मोबाइल पब्लिक मोबाइल यूज़ करते हो इनकी सर्विसेज यूज़ करते हो राइट right? तो um, क्या होता है कि ये जो बड़ी कंपनीज हैं ये आपको ऑफर्स भेजने लगती हैं कि लाइक like, जो इनकी नॉर्मल वेबसाइट पर नहीं होते स्पेशली आपके लिए ऑफर होते हैं ये मेरे को भी ये भेजती थी कि हम आपको ये लाइक सैमसंग एस टेन देंगे और आप फोर्टी डॉलर्स का हमारे साथ प्लान ले लो ये ये, ये उसकी डिटेल्स है लाइक जो नॉर्मल वेबसाइट पे नॉर्मल बंदे को कनेडियन बंदे को जो नॉर्मल ऐसे बंदा जाए इनके पास उनके लिए प्लान होता है उससे थोड़ा सस्ता उससे बेटर प्लान ताकि आप स्विच कर जाओ पब्लिक मोबाइल या लकी मोबाइल से उनके पास राइट तो ये भी एक बेनिफिट हो जाता है जब आप ऐसी छोटी कंपनीज के साथ हो तो आपको जो बड़ी कंपनीज हैं वो अच्छे ऑफर्स के साथ लुभाती हैं ताकि आप उनके पास आ जाओ बट इट्स टू यू आपने शिफ्ट होना है कि नहीं आपके पास आपको लगता है नीड है कि नहीं मेरे हिसाब से अगर आपको नीड नहीं लगती आप मत खर्चो ठीक है जितना अपना खर्चा बढ़ाओगे खर पैसे उतने ही ज़्यादा खर्च होंगे सेविंग उतनी ही कम होगी ठीक है और फिर बाद में यू you नो know, पैसे की ज़रूरत जब पड़ती है तो फिर दिक्कत आती है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तो फिर ये अच्छे ऑफर आपको देती हैं लुभाने लुभाती हैं और देन यू कैन स्विच अगर आपको बड़ी कंपनी में ही रहना है और एक ये भी बात है इनके साथ ये छोटी कंपनी जैसे पब्लिक मोबाइल जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ इनके पास प्रीपेड ऑप्शन होते हैं राइट तो प्रीपेड में ये फ़ायदा है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बेल है बेल यहाँ पर जो बड़ी कंपनी है वो पोस्ट पेड अगर आप रखते हैं अपना प्लान मोबाइल प्लान तो उसमें ये होता है कि पोस्ट पेड में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मंथ एंड हो गया है ना तो मे बी दे विल नोटिफाई यू कि आपके पास आपकी पेमेंट यू है पर आप भूल गए राइट और आपने पे नहीं किया आप पे वरना भूल गए तो आपकी सर्विस नहीं काटेंगे दे विल स्टार्ट चार्जिंग यू ओवर पेमेंट राइट कि आपको ओवर चार्ज करना शुरू कर देंगे जो कि यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ होते हुए देखा है पर प्री में ये वाली बात नहीं होती और एक और बात है कि फॉर एग्जाम्पल गलती से यार इंडिया मतलब फॉर एग्जाम्पल इं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो इंडिया फ़ोन वगैरह करते ही रहते हो राइट गलती से आपने लाइक डायल कर दिया इंडिया या पाकिस्तान या कोई इंटरनेशनल नंबर ये वाली कंपनीज डायल कर देती हैं और डायल कर देती हैं और चार्ज कर देती हैं तीन सौ डॉलर जितने भी लाइक इतने ज़्यादा और अगर आप पे ना करो तो फिर वो बात बढ़ जाती है आपकी क्रेडिट स्कोर पे काम लाइक इफेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं तो इन सारी कंपनियों के साथ रहने के ये थोड़े से यू you नो know, मसले हैं तो आप कंसिडर करें ये वाली चीज़ों को भी जब भी आप चूज़ करें और आ, 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 आप ऑटो पेमेंट लगवा सकते हैं वो लगवानी भी चाहिए ये जो पब्लिक और लकी मोबाइल है इनके साथ ऑटो पेमेंट लगवाओगे तो आपको 500 हंड्रेड एम एक्स्ट्रा मिलता है तभी जाके वो लाइक ट्वेंटी फाइव डॉलर्स में आपको वन पॉइंट या वन मिलता है डेटा राइट तो ये वाली सारी चीज़ें कंसिडर करो और आप फिर अपना प्लान चूज़ करो एंड यस yes, uh, एक और एक और बात थी जो मैंने आपको शेयर करनी थी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एज अ इमिग्रेंट और एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हो कैनेडा में रह रहे हो और अगर आपको जरूरत पड़ती है कि इंडिया में कॉल करनी है लाइक लैंड लाइन कॉल या किसी के पर्सनल नंबर पर कॉल व्हाट्सएप वाली कॉल नहीं वैसे तो व्हाट्सएप पर ही करो कॉल क्योंकि अब इंटरनेशनल मिनट्स डलवाओगे तो वो इट्स नॉट एफिशेंट वो बारह भी नहीं खाता राइट uh, right? तो वो फ़ायदेमंद डील भी नहीं है आप इंटरनेशनल मिनट्स डलवाओ व्हाट्सएप जब वो वाला काम कर देता है आपको फ्री में राइट बट इन केस अगर आपको जरूरत पड़ती है आपको ज़रूरत है कि अलग मस्ट like, है कि आपने इंटरनेशनल मिनट्स डलवानी पड़ते हैं तो रेदर देन किसी भी कंपनी के साथ आप ज्वाइन uh, करके उनसे आप इंटरनेशनल प्लान खरीदो या उनके मिनट्स खरीदो आप ऑनलाइन कोई सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं जो लाइक like, uh, आपको फॉर uh, एग्जांपल जैसे मैंने यूज की हुई है रेपटेल रेप्टेल करके ऐप है वो टेन डॉलर्स में इंडिया की अनलिमिटेड कॉलिंग महीने की आपको कर देती है टेन डॉलर्स में अनलिमिटेड कॉलिंग फ़ोन पे पर्टिकुलर फोन पे लगे आप लैंडलाइन पे कर लो जितनी देर मर्जी बात करो कोई दिक्कत नहीं तो रेपटेल है एक ऑप्शन बाकी और ऑनलाइन एक, एक्सप्लोर कर सकते हो सर्विसेज जिनका लाइक आपको सिम नहीं खरीदना पड़ता वो ऑनलाइन ही लाइक नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देती हैं राइट तो ये पॉइंट मैंने मेंशन करना था तो हाँ तो ये थी लाइक ये मेरी है वीडियो आप पॉइंट्स कंसिडर करें अगर मैं समराइज़ करूँ तो हाँ लकी मोबाइल पब्लिक मोबाइल और फीडो चार्टर फ्रीडम ये कंपनीज़ और आई थिंक बीसी में एक और है बीसी मोबाइल करके है ना ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और इनके प्लान्स देखें इन्हीं के प्लान स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट हैं स्टूडेंट्स यही प्लान चूज़ करें और अगर आपको ज़रूरत नहीं है कि नए फ़ोन की तो मत लेने नया फ़ोन इन्हीं प्लान्स के साथ स्टिक करें और आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा आप पैसे सेव करोगे और आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगाओ तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाँ मेरे को कमेंट्स में बताइए कि व्हाट कैन आई इम्प्रूव और आप और कौन से टॉपिक्स पे अगर कोई वीडियो आपको जाननी है या मैं बनाऊँ तो वो भी मैं डाल सकता हूँ तो आप यस या टेल मी इन कॉमेंट्स सजेशंस अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे तो वो मैं बनाने की कोशिश करूँगा विद रिसर्च करके उसके बारे में या अगर मेरे को खुद को जितना बताऊगा उसके बारे में बता दूँगा तो तब तक के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिया हैव अ गुड डे बाय